तो खबर भागलपुर से है, जहां पर पीरपैंती प्रखंड के परशुरामपुर और गोविंदपुर के बीच बना पुल पानी की तेज बहाव में ध्वस्त हो गया, जिस वजह से दियारा से पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बाधित हो गया है। परशुरामपुर, गोविंदपुर, जाली टोला सहित गांव के लिए ये पुल लाइफ लाइन थी। तो ये बड़ी खबर भागलपुर से सामने आ रही है। बताते चले आपको, पीरपैंती प्रखंड के परशुरामपुर और गोविंदपुर के बीच बना हुआ पुल पानी के तेज बहाव में ध्वस्त हो गया, जिस वजह से दियारा से पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बाधित हो गई। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये पुल जो है वो ध्वस्त हो गया है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। भागलपुर से ये तस्वीरें, पानी के तेज बहाव में पुल ध्वस्त हुआ है। बताते चले आपको, परशुरामपुर, गोविंदपुर, जाली टोला सहित गांव के लिए ये पुल लाइफ लाइन थी। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, देखिए खबर सामने आ रही है कि पीरपैंती प्रखंड के परशुरामपुर और गोविंदपुर के बीच में बना हुआ जो पुल है वो ध्वस्त हो गया है। पूरी जानकारी दीजिए कि आखिर ये पुल कब ध्वस्त हुआ और अभी गांव वालों का क्या कुछ कहना है। जी, आज लगभग 10 से 11 बजे के बीच जो है पानी का तेज बहाव था और उसके कारण जो है ये पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, और इस रास्ते से आने जाने वाले लगभग 2 दर्जन ऐसे गांव है जिसके आवागमन में बाधित हो चुका है पूरी तरह से, और प्रखंड मुख्यालय से पूरी तरीके से ये रास्ते कट गए हैं, और पानी का बहाव भी काफी तेज है जिसके कारण अभी काम वहां पर शुरू नहीं किया जा सका है। वहीं लोगों को जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की ओर से जो अधिकारी हैं वहां पर मौके पर पहुंचकर उन्होंने जांच की है और जल्द कार्य शुरू कराने की बात कही है जिससे आवागमन जो है सुचारू रूप से हो सके। जी आशीष, वहां पर जायजा लेने के लिए कौन कौन अधिकारी पहुंचे थे? जी, प्रखंड के जो सीओ हैं और बीडीओ हैं उनके साथ साथ अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव जो हैं उनके पहुंचने की बात कही गई है कि उन लोगों ने सारी चीज को वहां पर देखा है, और देखने के बाद जो है अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं और जल्द काम करने की बात कही गई है। तो देखिए, ये कई गांवों को ये सड़क जो है वो, ये जो पुल है वो जोड़ता था, तो ऐसे में अब क्या वैकल्पिक व्यवस्था है गांव वालों के लिए आवाजाही करने के लिए? जी, वैकल्पिक रास्ता अभी बहुत लंबा घूम के उनको आना होगा, और अभी गंगा में जो लगातार पानी की बढ़ोतरी हो रही है, गंगा खतरे के निशान से ऊपर है, नाव से ही उनको कहीं ना कहीं सफर करना होगा और जिसके बाद वो प्रखंड मुख्यालय पहुंच सकते हैं। वहीं अभी जो है काफी परेशानियों से गांव वालों को जो है सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आशीष। तो देखा आपने किस तरीके से ये जो पुल है वो टूट चुका है और आवाजाही करने में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ में बड़ी बैठक की, और बैठक में डीजीपी, गृह सचिव, एडीजी समेत सीनियर अधिकारी शामिल रहे। सीएम नीतीश कुमार ने क्राइम कंट्रोल को लेकर के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम की बैठक पर अब काफी ज्यादा सियासत भी हो रही है। आपसे तो कोई सवाल पूछ ले आपके लोगों से तो इतने नाराज हो जाते हैं कि तो उन्हें डब्बे से 2005 के लिए माफी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। बुधवार को नवादा की दलित बस्ती में 30 से ज्यादा घरों में दबंगों ने आग लगा दी। आग बुझ गई, लेकिन नवादा की घटना पर सियासत की आग पूरे लॉ के साथ अब भी चल रही है। नवादा की घटना सामूहिक हिंसा का तांडव। नवादा की घटना के बाद पुलिस एक्शन में है और सरकार की नजर पुलिस के एक्शन पर है। नवादा की घटना के बाद स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के डीजीपी, गृह सचिव, एडीजी समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और क्राइम कंट्रोल को लेकर सख्त निर्देश दिए। लेकिन आरजेडी के सांसद मनोज झा को लगता है कि मुख्यमंत्री की ये समीक्षा केवल रिवाज भर है। जब जागे तभी सवेरा, या सवेरा सिर्फ रिचुअल है, एक रिवाज। सर्वेक्षण कर लिया, हवाई सर्वेक्षण हो गई। मनोज झा नीतीश सरकार पर निशाना साधते हैं और तंज कसते हुए कहते हैं कि सवाल उठाओ
तो लोग 25 साल पहले का समय गिनाने लगते हैं। आपसे तो कोई सवाल पूछ ले आपके लोगों से तो इतने नाराज हो जाते हैं कि 25 बरस ये पहले ये था, 20 बरस ये पहले ये था। मनोज झा के वार और तंज का उसी अंदाज में जवाब दिया जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने। राजीव रंजन ने कहा कि 25 साल पहले का जिक्र आते ही आरजेडी के लोग घबरा क्यों जाते हैं। तो उन्हें डब्बे से 2005 के लिए माफी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। वो बार बार घबराते क्यों है उस दौर की चर्चा करने से? बिहार में कानून व्यवस्था हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही आरजेडी को घेरकर नीतीश कुमार सत्ता में आए थे। अब आरजेडी के नेता उसी अंदाज में नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अगर आज अपराध का आंकड़ा गिनाया जा रहा है, ऐसे में 25 साल पहले के हालात से तुलना होने पर दिक्कत क्यों है? न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नवादा की घटना को लेकर के सीएम नीतीश कुमार काफी ज्यादा एक्शन में हैं। अधिकारियों को काफी निर्देश भी दिया गया है और इस पर काफी ज्यादा सियासत भी हो रही है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर को लेकर के। बिहार में एक बार फिर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खास करके गंगा का जलस्तर कई जगह जो है वो डराने वाले हैं। बक्सर से पटना तक और छपरा से लेकर के मुंगेर तक पानी से लोग परेशान हैं। हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को हवाई सर्वेक्षण किया और शनिवार को वैशाली में राहत बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए भी पहुंच गए। कहीं सड़क पर पानी तो कहीं घरों में पानी, कहीं फसलें बर्बाद हो गईं तो कहीं बाढ़ से बचने के लिए छत का ही सहारा बचा है। पटना में गंगा का ऐसा विकराल रूप शायद बहुत पहले भी कभी दिखा होगा। अटल पथ से लेकर सोनपुर तक गंगा का पानी दिख रहा है। गंगा का जलस्तर अगर अटल पथ की तरफ जितना है उतना ही जो जलस्तर है धीरे धीरे अगर आप पूरा पैन करते हुए देखें तो बाएं साइड जो सोनपुर का हिस्सा पड़ता है वहां पर भी तस्वीर बिल्कुल एक जैसी दिख रही है। यानी कि गंगा का जलस्तर पूरी तरीके से अटल पथ से लेकर सोनपुर के बीच में एक बराबर है। बात सिर्फ नदी, सड़क और घर तक ही सीमित नहीं है। दानापुर के नक्टा दियारा इलाके में लोगों के घर तो डूबे ही हैं। इलाज के लिए इकलौता सहारा अस्पताल भी बाढ़ में तबाह हो गया है। और ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लोग कैसे यहाँ से साइकिल से या पैदल निकल रहे हैं, ये मुख्य सड़क है। ये जो आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है। आए दिन जो है इससे गाड़ियां जो है वो फोर व्हीलर से लेकर टू व्हीलर तमाम यहाँ से पार होती है और गुरुद्वारा तक पहुँचती है। लेकिन जरा देखिए कि कमर भर पानी जो है अभी यहाँ तक पहुँच चुका है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर लोगों को ऊंची जगहों पर शरण लेना पड़ा है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने और बाढ़ से निपटने के लिए चलाए जा रहे राहत बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक हाजीपुर पहुंच गए। सीएम नीतीश कुमार ने तिरसिया दियर में पानी का भी जायजा लिया और उसके साथ ही यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा जो राहत शिविर और जो कैंप चलाए जा रहे हैं उस कैंप का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। नीतीश कुमार ने सबसे पहले महात्मा गांधी सेतु से तेरसिया दियरा तक का जायजा लिया। उसके बाद सीएम का काफिला गंगा ब्रिज थाना के पास बने राहत कैंप में पहुंचा, जहां उन्होंने सामुदायिक किचन, स्वास्थ्य शिविर के साथ ही पशु शेड का निरीक्षण भी किया। माल जाल यहां कब से रह रहे हैं? हम लोग तो अभी आए हैं हेल करके। अच्छा। पानी हेल करके दूर से आए हैं। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? तो खान पान की व्यवस्था चल रहा है। फिलहाल बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हालांकि कई जगहों पर जलस्तर कम होना शुरू हो गया है, लेकिन लोगों की परेशानी अब भी बरकरार है। सरकार की ओर से पहुंचाए जा रहे मदद से लोगों को कितनी राहत मिलती है ये देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो
गंगा के रौद्र रूप को आपने देखा, लोगों की परेशानियों को भी आपने सुना और अब बात करेंगे न्यूज 18 की खबर के असर की। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और राजधानी पटना के बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम करने में जिला प्रशासन की टीम अब जुट गई है। दियारा वासियों और बिंद टोली के बाढ़ पीड़ितों के लिए अब जिला प्रशासन की तरफ से टेंट की व्यवस्था की गई है और पूरे मरीन ड्राइव पर टेंट निर्माण का काम भी शुरू हो गया है। तो वहीं मेडिकल कैंप के साथ कम्युनिटी किचन का भी इंतजाम किया गया है। तात्कालिक राहत से बेघर लोगों की परेशानी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन प्रकृति की मार से बेघर लोगों को फिर से ठिकाना बसाने की चिंता सता रही है। बाढ़ पीड़ितों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। बहा कर ले गया सैलाब सब कुछ, फकत आंखों की वीरानी बची है। कुछ यही हाल है पटना के बाढ़ पीड़ितों की, यानी दियारा के साथ साथ जो राजधानी सटा बिंद टोली इलाका है, वहां के लोग लगातार पिछले 10 दिनों से जलकैदी बने हुए हैं और पानी पूरे इलाके को आगोश में ले लिया है। कैमरे की नजर में आपको हम लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से चारों तरफ पानी ही पानी है और लोगों के लिए मरीन ड्राइव यानी सड़क जो है वो बसेरा बन गया है और लोग यहीं पर अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। हालांकि न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए देख सकते हैं कि ना सिर्फ मेडिकल टीम का गठन किया है, मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, बल्कि कम्युनिटी किचन की व्यवस्था कराई गई है। दोनों वक्त का खाना जो है उसका इंतजाम कराया गया है। इसके साथ साथ बड़े स्तर पर देख सकते हैं कि जो टेंट है उसका निर्माण कराया जा रहा है, यानी जो लोग हैं खुले में रह रहे थे, खुले आकाश के नीचे रह रहे थे, अब इन्हें अब एक तरह से रहने के लिए तत्काल जो है आशियाना दिया जा रहा है और जो कारीगर हैं वो मरीन ड्राइव के चारों तरफ देख सकते हैं कि वो टेंट तैयार करने में जुटे हुए हैं। यानी लोगों की माने तो पानी कम होने के बाद ही जो परेशानी है वो कम नहीं हुई, क्योंकि कई दीवारें हैं वो दरकने लगी है और इसके साथ साथ जो फूस का घर है वो फिर से तैयार करना पड़ेगा, जो झोपड़ी नुमा घर है वो फिर से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अनाज पानी सब कुछ बह गया है और घर की दीवारें जो है वो दरकने लगी है। फिर से घर बनाएंगे। अरे सर जब आया पाए तब हम लोग देते ढह देते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि टेंट वगैरह लग रहा है। हाँ सर बन रहा है। हाँ टेंट से कुछ आराम मिला? अभी कहाँ मिला, अभी तो शुरू हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव के पास ही इन लोगों का ठिकाना है और सब कुछ जो एक तरह से अब अपनी आंखों के सामने बहते हुए देख रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ गंगा का पानी जो है आगोश में ले लिया है। क्या सब परेशानी हो रही है या परेशानी दूर हो रही है? बहुत परेशानी है। साले साले बाढ़ आता है, सब मकान दह जाता है, हम लोग को हर साल मकान बनाने पड़ता है, नहीं खाने के सुविधा है, नहीं रहने के है, माल जाल है, गाय गरु है, सब की दिक्कत है, आमदनी की दिक्कत है। पानी कम होने के बाद एक तरह से परेशानी जो है फिर से बढ़ेगी, क्योंकि जो कुछ उजड़ जाएगा, जो कुछ खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, उसे फिर से तैयार करना पड़ेगा। कहते भी हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां उजाड़ने में। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। लखीसराय में भी न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बाढ़ पीड़ितों की दर्द की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। पिपरिया और बढ़िया प्रखंड के कुल 15 पंचायतों में सूखा राशन भेजा जा रहा है। डीएम मिथिलेश मिश्र आपको बता दें कि खुद अशोक सम्राट भवन पहुंचकर के सूखा राशन पैकेट का जायजा लिया है और अधिकारियों को जल्द ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाने का निर्देश दिया है। डीएम ने बताया है कि जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम लोग का लक्ष्य है कि करीब आज कम से कम 2 पंचायतों को हम लोग सैचुरेट करें और वहाँ मुखिया जी लोगों ने लिस्ट बनाई है कर्मचारी के साथ मिलकर, तो एक दिन में सब कुछ संभव नहीं है देना। अभी यहाँ से हम लोगों ने सम्राट अशोक भवन सेंटर पे पैकेजिंग सेंटर बनाया है और अभी जस्ट हम लोग यहाँ से पैकेजिंग करके गाड़ी के माध्यम से क्षेत्र में भेजेंगे, सड़क के किनारे तक जाएगा और वहाँ से नाव के माध्यम से जो लोग घरों में हैं वहाँ तक सूखा राशन भेजा जाएगा। तो पथुआ और पिपरिया 2 जगह ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद पर हो रही सुनवाई पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से लालू प्रसाद ने नौकरी देने के नाम पर गरीबों को ठगने का काम किया, ऐसे में उन पर मुकदमा ही चलेगा, उनका स्वागत नहीं होगा। नित्यानंद राय ने सिख समाज पर राहुल गांधी के बयान पर भी नाराजगी जताई। लालू परिवार ने गरीबों को लूटा है, बेसहारों से, बेरोजगारों से जमीन लेकर नौकरी देने का काम किया है, लोगों का जमीन बेचवा दिए, बहुत ऐसे सारे लोग जिनसे जमीन भी बेचवा दिया, नौकरी नहीं उनको दिए, तो क्या उन पर मुकदमा नहीं चलने का आदेश मिलेगा, तो क्या उनका स्वागत किया जाएगा? राहुल
गांधी को सिखों के बलिदान समर्पण और इस हिंदुस्तान के लिए किए गए बलिदान को और उनके इतिहास को पढ़ना चाहिए। सिख भाइयों के साथ जो भी आपत्तिजनक और अपमान का शब्द किए हैं वह बिल्कुल सरासर गलत है। नवादा में दलित बस्ती में अग्निकांड के बाद कृष्णानगर में नेता लगातार पहुंच रहे हैं। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम कृष्णानगर गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने मामले में महागठबंधन के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता ने तेजस्वी को नकार दिया है। भाईचारा को तोड़ने के लिए, भाईचारा को, सद्भावना को बिगाड़ने के लिए आज उनके शासन काल में जिस तरह से वर्ग नरसंहार कराया जाता था वह रूप देने के लिए ये कयास चल रहा है। लेकिन बिहार की जनता सजग है, बिहार के नेता सजग है, देश के नेता सजग है। आपके सजगता के वजह से नौवा फेल व्यक्ति को कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से शुरू कर दी गई है। पटना में कल संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने यह कहा है कि बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि आगे किस तरीके से कैसे विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करनी है। ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संसदीय बोर्ड के जो सदस्य हैं वो सभी यहाँ उपस्थित होंगे और हम लोग समीक्षा करेंगे अपने संगठन की कि संगठन हमारा धरातल पर कहाँ तक पहुँचा और आने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव में हम अपने संगठन से अपने दल को कैसे मजबूती चुनाव में प्रदान कर सकते हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में झारखंड पवेलियन का भ्रमण किया। उन्होंने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को एक मंच पर लाने का वर्ल्ड फूड इंडिया सरकार की अच्छी पहल है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में काफी संभावनाएं हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री को साथ लेकर आए कि झारखंड की बात को समझे और पहचान करें कि किस ढंग से काम हो रहा है देश में। अब बात करते हैं भागलपुर की। भागलपुर में एक बार फिर से डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। भागलपुर में एक साथ डेंगू के 6 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड में दिख रहा है। JLNMCH के डेंगू वार्ड में डेंगू के 10 मरीज भर्ती है। डेंगू वार्ड का जायजा लिया है संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर में डेंगू डराने लगा है। रोजाना डेंगू के नए मरीज सामने आ रहे हैं। एक साथ डेंगू के 6 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सख्ते में आ गया है। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल JLNMCH में डेंगू वार्ड बनाया गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जहां डेंगू मरीजों का इलाज जारी है, यहां पर डेंगू के 10 मरीज भर्ती हैं और रोजाना डेंगू के नए मामले अब सामने आ रहे हैं। शहरी क्षेत्र के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वह डेंगू की चपेट में आ रहे हैं और ऐसे में जो अस्पताल प्रबंधक है वो भी अलर्ट मोड में आ गया है। कहाँ से आना हुआ है मैम? आदमपुर से, भागलपुर आदमपुर से। कौन भर्ती है यहाँ पे? भाई है। भाई होगी। कितने दिन हो गए यहाँ पे? एक सप्ताह। एक सप्ताह से भर्ती है। कैसे चपेट में आ गए डेंगू के? बाहर जाता है पढ़ने लिखने, उसी में हो गया होगा। तो अभी मरीज की स्थिति कैसी है? कमा है, कुछ ठीक है, अभी प्लेटलेट नहीं फूटना आया, धीरे धीरे सुधार है। सुधार। क्या नाम हुआ आपका? बबीता तिवारी। बबीता तिवारी, चलिए एक बार फिर से ये तस्वीर देख लीजिए। ये फैब्रिकेटेड जो अस्पताल है वहाँ पर जो डेंगू वार्ड बनाया गया है, डेंगू के 10 मरीज यहाँ पर भर्ती हैं और बता दें कि भागलपुर में रोज डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं और एक साथ डेंगू के 6 नए मामले सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग सख्ते में आ गया है। विकास कुमार सिंह, News18 भागलपुर। खबर औरंगाबाद से है जहां पर देव प्रखंड के कटैया गांव में डायरिया से पीड़ित एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो वहीं 20 से अधिक लोग पीड़ित हैं। गांव में प्राथमिक उपचार के बाद जब सभी की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तब सभी को सदर अस्पताल लाया गया और अस्पताल में 20 लोगों का इलाज चल रहा है। 10 लोगों का इलाज गाँव में ही मेडिकल टीम की ओर से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गाँव में ही
श्राद्ध का भोज खाने के बाद चार लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिन्हें इलाज के लिए देव पीएचसी में लाया गया था। इसके बाद एक एक करके करीब 30 लोग इसके चपेट में आ गए। गांव में एक भोज का कार्यक्रम था ना, उसी के मतलब भोज के बाद जो बरकी होता है उसमें जो जो लोग खाए हैं उसी के बाद धीरे धीरे लगातार दस्त लैटिंग होने लगा सबको, और वही लगातार गाँव के सब लोग धीरे 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 करके करीब से 25 लोग ग्रसित हुए। गांव में चिकित्सकों की एक टीम भेजी गई है जहां पर उनके इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कराई गई है। वहां पर सभी लोगों को एक उपचार, प्राथमिक उपचार भी दिया जा रहा है। अगर उसमें लग रहा है कि किसी तरह का दिक्कत है तो हम लोग सदर अस्पताल रेफर के लिए भी। मधुबनी के बिस्फी में पर्चाधारियों की जमीन पर अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने का विरोध शुरू हो गया है। रघौली पंचायत के उसौथू गांव में लोगों के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने अब रोक लगा दी है। लोगों के समर्थन में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल भी विवादित जमीन पर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी सूचना के छात्रावास और स्कूल का काम शुरू कर दिया गया और किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने स्कूल और हॉस्टल निर्माण की मंजूरी कैसे मिली इस पर भी सवाल उठाए। ये भी कहा जा रहा है कि उस जमीन के आसपास बहुसंख्यकों की आबादी है, इसके बाद भी अल्पसंख्यक छात्रावास बनाया जा रहा है। स्कूल बना रहा है, छात्रावास और स्कूल का विरोध नहीं है, यह उचित जगह नहीं बन रहा है, यह सरकार के पैसे का लूट खसोट है, इसीलिए यहाँ की जनता आंदोलित है, मैं जनता के साथ। मेरा मांग है जो उचित जगह बने, ये बिल्कुल सरकार के पैसों को बुराने का जगह है। और इसी के साथ